पीथमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर राज्य गिरोह के 5 सदस्य डकैती की योजना बनाते हुए धराए हैं। बदमाशों के पास से 16,000 नकदी सहित चोरी किए हुए सोने और चांदी के आभूषण करीबन 4,00,000 रुपए कीमत के पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं 3 लोहे के तेज धारदार फलिया, कटर मशीन, टामी, लोहे का प्लायर आदि जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी द्वारा पूर्व में पुलिस की बंदूक लूट का आरोपी भी रह चुका है। सभी आरोपी आदतन अपराधी है। पकड़े गए सभी बदमाशों पर गंभीर अपराध दर्ज है। वहीं आरोपियों से पूछताछ पर राजेंद्र नगर इंदौर से चोरी करना कबूल किया। आरोपियों से अन्य अपराध में पूछताछ जारी है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के विरुद्ध लूट और चोरी मारपीट के कई प्रकरण दर्ज है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सूचना बताते हुए 5 लोगों को पकड़ा है। क्या है पूरा मामला? जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा लगातार जिले में अभ्यासिक अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करवा रहे हैं। इसी तारतम्य में कल थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया और क्राइम ब्रांच के थाना प्रभारी दिनेश शर्मा को मुखी द्वारा सूचना मिली कि कपिला चौराहा के पास पेट्रोल पंप के पीछे कुछ बदमाश रुके हुए हैं जो पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच दिनेश शर्मा के नेतृत्व में की टीम और सेक्टर 1 थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया की और स्टाफ की टीम दोनों ने बताया स्थान पर दबिश दी तो 5 संदिग्ध आदमी मिले। उनके पास से फलिया, कटर मशीन और टामी, अन्य सामान जो नकम के उपयोग किए जाते हैं, जो लूट आपराधिक वारदातों में उपयोग किए जाते हैं, वो मिले। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम थावरिया, अनिल, आकेश, धर्मेंद्र और रमन, तो थावरिया और अनिल और आकेश ये बोरी के रहने वाले हैं जो अलीराजपुर जिले का है, और धर्मेंद्र और रगन बाग थाना अंतर्गत के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको पांचों को राउंड अप किया गया। जब इनसे तलाशी ली गई तो इनके पास से कुछ आर्नामेंट और पैसे मिले जो उन्होंने राजेंद्र नगर थाना जिला इंदौर में चोरी करना कबूला। पांचों आरोपियों को थाने लाया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 399-402 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उनको गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में TI सेक्टर 1 लोकेश भदौरिया और उनकी टीम तथा TI दिनेश शर्मा क्राइम ब्रांच प्रभारी और उनकी टीम का अतुलनीय योगदान रहा, जिसे पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने पुरस्कृत करने की घोषणा की। जब इनके अपराध के बारे में मालूम किया गया तो थावरिया, अनिल और राकेश के साथ साथ 8-8 अपराध पाए गए, जो गुजरात में जामनगर के भी अपराध पाए गए, इंदौर में राजेंद्र नगर और लसुड़िया थाने के अंतर्गत पाए गए, 2 आरोपी बड़गोदा में बंदूक लूट के मामले में भी आरोपी थे जिनका वारंट भी जीवित है। इनका नाम है थावरिया और आकेश, ये जो बोरी और अलीराजपुर रहने वाले हैं। इस प्रकार से सेक्टर 1 पुलिस थाना प्रभारी की टीम ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह और लूट गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सर, जो सोने चांदी के आभूषण पकड़े हैं तो कितने कीमत थी? 4,00,000 के मिले हैं और इनका बाकी रिकवरी के लिए पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। आपका नाम? तरुणेंद्र सिंह बघेल, CSP पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।